बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। आज मैं आपको KFC चिकन रैप बनाना सिखा रही हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको ये दिखा दूँ। यहाँ मैंने अभी KFC चिकन बनाई थी, KFC चिकन स्ट्रिप्स बनाई थी, ये बोनलेस की बनाई थी मैंने, थाई की, ऑलरेडी मेरे पास बने हुए हैं। आपने इसका रैप बनाने के लिए क्या करना है, एक कोई भी टॉर्टिला की रोटी ले लें। मैंने यहाँ पे सीडेड रोटी ली है, आप कोई भी ले सकते हैं प्लेन। इसको पहले आप ग्रिल पैन पर गर्म कर लें, ये ऑलरेडी मैंने ऑन किया हुआ था। 1 से 2 मिनट में ये रोटी गर्म हो जाती है और फिर उसके बाद इसके अंदर हमने इसकी असेंबलिंग करनी है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह करना है, ठीक है। पहले इसको 1 से 2 मिनट दे दीजिए। ऐसे जल्दी से गर्म हो जाएगी, इसके बाद हम इसके अंदर चीज़ें लगाएंगे। इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आप इसके अंदर सैलड भी ऐड कर सकते हैं, लेटस लीव्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो इसके अंदर लगाने के लिए। आप इसमें अनियन भी यूज़ कर सकते हैं सॉटे करके, और जिस तरह का भी आपको चाहिए हो। ओके, ये गर्म हो गया। अब हम इसकी रोटी को इधर ले आते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो है आप थोड़ी सी मेयोनीज लगा लीजिए, उसके बाद यहाँ पर मैं नैंडो सॉस यूज़ कर रही हूँ। आप जो है वो जो जो भी आपको पसंद हो आप डाल लीजिए, कौन सी भी सॉस पसंद है। उसके बाद आप चिकन लेके उसको आप लेंथ में ऐसे लगा लें, जितना भी आपको चाहिए चिकन। बहुत ही मज़े के बनता है ये रैप और बहुत ही फिलिंग है, लंच में और डिनर में जैसे भी आपको पसंद हो आप बना के इसको खा सकते हैं। ये मेरे पास बारबेक्यू सॉस है जो मैं इस पर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी, आप जितनी चाहें ऐड कर सकते हैं। और इसको फिर मैं फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड कर लीजिए,